वृंदावन की परिक्रमा मार्ग स्थित श्री सुदामा कुटी आश्रम में 10 दिवसीय आचार्य जयंती महोत्सव का सोमवार को आगाज हो गया। सर्वप्रथम जयंती महोत्सव श्री सुदामा कुटी आश्रम में विराजमान रघुवेंद्र सरकार का पूजन अर्चन किया गया और बटुक ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया गया। वहीं आश्रम के महंत सुतीक्षण दास महाराज ने बताया कि करीब 82 वर्षों से वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री सुदामा कुटी आश्रम में आचार्य जयंती महोत्सव का सफल आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आचार्य जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन प्रातः बेला में श्रीमद् भगवत और रात्रि बेला में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस महोत्सव में तरह तरह के आयोजन किए जाने हैं, जिसमें वृंदावन के संत महंत और विद्वान जनों का आदर सत्कार एवं पूज्य गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव की नगर में सवारी भ्रमण का आयोजन किया जाना है। वहीं इसके तत्पश्चात नगर के सभी प्रत्याशियों का संपूर्ण भंडारा किया जाएगा। इस समय आश्रम में श्री सुदामा कुटी में लगभग विगत 82 वर्ष से आचार्य जयंती प्रत्येक साल मनाई जाती है। इस बार प्रत्येक साल 10 दिवसीय कार्यक्रम होते, इस बार भी 10 दिवसीय कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ है और प्रातः काल जो वैदिक बटुक ब्राह्मण हैं उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ मंगलाचरण आदि होता है। जो संत हैं श्री रामचरितमानस कंदमा प्राण का गान करते हैं ठाकुर जी के प्रांगण में। उसके उपरांत वृंदावन में जो महापुरुष पधारते हैं, विद्वान पधारते हैं, उनका सत्संग होता है 11 से 12:30 तक और 12:30 से 1:30 बजे तक। यहाँ के जो नित्य संत सेवा है, समस्त जीवों का झारा भंडारा यहाँ होता है। उसके उपरांत पुनः राघवेंद्र सरकार का जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह जो रामलीला जो श्रीधाम मथुरा के मंडली द्वारा रामलीला का मंचन होता है। उसके बाद पुनः विद्वान के द्वारा सत्संग का आयोजन होता है। उसके उपरांत पुनः 7 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक भगवान श्री राधा माधव की जो रासलीला है वो हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक 24 तारीख को आचार्य जी की जयंती उत्सव है, प्रातः काल से धूम सब मचा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए सीमित किया गया है, सबका आमंत्रित नहीं किया गया है और जो आएंगे मास्क के लगा कर ही रहेंगे। गाइडलाइन जो सरकार के पालन करना है हम लोग को परम दायित्व भी है। और उस दिन शाम को जो शोभा यात्रा सीमित संख्या में ही निकालने के विचार है और 25 तारीख जो संत सेवा रखा गया है बृहद, ये सब कार्यक्रम बाबा श्री गुरुदेव भगवान या बाबा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह उत्सव हो रहा है और उनकी कृपा के छत्र छाया में हम सभी आनंद ले रहे हैं। आपके इंडिया चैनल के माध्यम से स्वामी जी का आशीर्वाद जो भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सबको उनका आशीर्वचन प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ बाणी विराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।